और आज हारते बिना पूरा दुनिया में मजबूत नेता और भारत के मजबूत प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी के पहचान। दोस्तों, ईमानदार सरकार और ईमानदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बानी बतौला के जरूरत नहीं है, लेकिन चुनावी सभा में ऐसे जरूर कहे के चाहतनी कि 13 बरिस चौराग में मुख्यमंत्री रह लोग 10 बरिस में प्रधानमंत्री रह लोग 25 पैसा चबन्नी के लिए भ्रष्टाचार के आरोप केहू ना लगा पाओ। आज ईमानदार प्रधानमंत्री ईमानदार सरकार के उदाहरण आज हमने कहा आपके सामने लता एक पहले जो सरकार रहे जो प्रधानमंत्री जी रहनी वो प्रधानमंत्री जी के क्या हालत रहे, उनके सरकार के क्या हालत रहे कि आसमान से लेके पाताल तक लोग लूट लेवे के काम कर रहे। लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में ईमानदार सरकार चल रहा है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात बा कि जो वादा कैले रहनी नरेंद्र मोदी जी 2014 में और 2019 में अपन एक एक वादा देश के जनता के सामने वहां का पूरा कैले बनी। मोदी जी कहले रहनी कि हमारा सरकार पर सबसे पहले गरीब के हक होई। मोदी जी कहले रहनी कि हमारा देश के सम्मान के बढ़ावे खातिर जौन काम करे के होई करे। मोदी जी कहले रहनी कि देश के सुरक्षा के गारंटी हमारा लगे रही। मोदी जी कहले रहनी कि देश में केहू भूखा ना रही। मोदी जी कहले रहनी कि देश में सब केहू के इलाज की चिंता हम करे। मोदी जी कहले रहनी कि सब लोग के घरे घरे बिजली पहुंचावे का हम काम करे। मोदी जी कहले रहनी कि जेकरा सिर पर छत ना होई ओकरा के छत बनवावे के काम हम करे। मोदी जी कहले रहनी कि सब घर में शौचालय बनवावे का हम काम करे। एक एक काम नेता वहां के कहले रहनी सारा विकास के काम आज कहनी ए बढ़रिया के धरती पर भी सब केहू देखले होई कि पिछला 10 साल में इतना चौका में गैस के सिलेंडर मुफ्त में पहुंच हुए। ए बढ़रिया के धरती पर देख रहे हो लोग कि कितना आदमी के सिर पर छत रहे तो उन घर बन गए। सब घर में शौचालय बन गए। सब घर में बिजली के तार पहुंच गए। सब किसान के खाता में 6-6 हजार रुपया सालाना जाएगा। तो सारा चीज बढ़रिया की जनता सीमान के जनता के पास जो वादा कहले रहनी वो वादा के वहां का पूरा कर और साथ में देश के जनता के वहां का वादा कैले रहनी कि जब देश के जनता हमरा के प्रधानमंत्री बनाई तो हमें देश से धारा 370 खत्म करे के काम करे। वहां का कहले रहनी कि देश के जनता हमरा के प्रधानमंत्री बनाई तो 500 साल से देश के जनता जमा चीज के इंतजार कर दिया कि अयोध्या में भगवान राम के मंदिर बने के चाहिए। वो राम मंदिर बनावे के काम हम करे। वादा कैले रहनी कैले रहनी कि ना कैले रहनी आप बताएं। वो लोग वहां का जो वादा जितना कैले रहनी उस सारा वादा पूरा भई कि ना भई। पूरा भई कि ना भई। यदि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री ना रहते तो ये देश से धारा 370 के वो खत्म कर पाए थे। कोई थे देश से धारा 370 खत्म ना हुई। मोदी जी प्रधानमंत्री ना रहती अयोध्या में भगवान राम के मंदिर ना बना। बी ए बी कॉम बी एस सी एम ए एम कॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने सिवान। आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं, वहीं लेनी हो गोल्ड डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स सबसे विश्वसनीय शॉप लाल पैलेस स्टेशन रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। धारा 370 खत्म करनी सन विकास के काम करनी सन गरीब के सेवा करनी सन और सेवा कर के मजदूरी मांगे आई बनी सन ये जनता हमनी के मजदूरी देवे चुनाव। लेकिन हमनी के विरोधी क्या कहता
हमनी के विरोधी लोग कहता कि हमनी सत्ता में आ जाए सर तो फिर से धारा 370 बहाल कर दे सर। हमनी के विरोधी लोग कहता कि हमनी फिर से सत्ता में यदि आ जाए सर तो अयोध्या में राम मंदिर बनवावे बारे नरेंद्र मोदी और राम मंदिर में ताला लगावे के काम हमनी कर। अब हमनी के वोट देवे बेरा ई बात तय करे के पड़ी कि राम मंदिर में जेगनी मंदिर बन के पूजा होता वही गनी पूजा होत रहो कि उसमें ताला लाग जाओ। यदि बढ़रिया के लोग एजी के जनता चाहता कि राम मंदिर में यही गनी जेगनी 500 साल ठीक से पूजा ना भई अगला 1000 साल आगे पर जब तक दुनिया रहे तब तक भगवान राम के पूजा होती होत रहे तो नरेंद्र मोदी जी के फिर से देश के प्रधानमंत्री बना के रखे के पड़ी नहीं तो दूसर का लोग आई तत्काल होना रहा। आज कुछ लोग संविधान के दुहाई देते वो संविधान के दुहाई देने वाले लोग के कहे के चाहते कि हम मंच पर खड़ा होके ये जो निंदी गठबंधन के लोग बा वो लोग भाषण देता कि हमनी के वोट देता हमनी के वोट दे दी लोग तो जो आरक्षण के व्यवस्था बा ओकरा के बदल दे सर बदल के का करे के कहता लोग कहता लोग कि कर्नाटक मॉडल लागू कर दे सर। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के सरकार बा और हिंदी गठबंधन के लोग कहता कि हमनी के सरकार बनल जैसन कर्नाटक में व्यवस्था बनौले बनी सर वैसे देश भर में व्यवस्था बना दे सर। वो व्यवस्था का बनौले बनो वो जी व्यवस्था ही बना देने वालो कि जो उन हिंदू समाज के आरक्षण बाबा साहब अम्बेडकर जी के कारण मिला रहे चाहे वो पिछड़ा समाज हो गए अति पिछड़ा समाज हो दलित समाज हो गए या महादलित समाज हो गए या मोदी जी के समय में सवर्ण जाति के गरीब समाज हो गए वो सब लोग के जो आरक्षण मिलल बा इंडी गठबंधन के लोग कहता कि ओकरा के हम बदल दे आओ हिंदू समाज के अधिकार के छीनके दूसरा समूह और वर्ग के देवे के काम करे सर खाली वोट लेवे के लालच में ये तरीका के बात आज गठबंधन के लोग कहते ये बढ़िया के जनता के तय करे के पड़ी कि अम्बेडकर जी के जो अधिकार देहल बा वो अधिकार हमनी के लगे रही कि हिंदी गठबंधन वाला लोग के गनी कर्नाटक में कईल वही गनी देश में जे करे के चाहता कि हमनी के अधिकार के छीन के दूसरा समाज वर्ग के वो आरक्षण के लाभ देवे के चाहता वोट देवे खातिर वो होके दिए रहो एक एक वोट तय करी रहो गलती से यदि दूसरा जगह वोट देनी तीर छाप छोड़ के एनडीए के छोड़ के रहो देहल आरक्षण छीन लेवे के काम करी और दूसरा के दे देवे के काम ये वोट में बहुत ताकत होला वोट तनियो सहने उन्हें घबराई तो अधिकार घबरा जाला वोट देने उन्हें भय तो अधिकार छीना जाला अपन अधिकार बात बचा के रखने के बाद तो हमने सब के होके नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बना के रखे और पूरा देश आज विकास के साथ चलता मोदी जी के साथ चलता ये बिहार में भी लगातार कई पार्टी के नेता बीजेपी जेडीयू एनडीए में शामिल होता क्योंकि सब केहू के लगा था कि नरेंद्र मोदी जी एनडीए के छोड़ के नीतीश कुमार जी एनडीए के छोड़ के दूसर केहू ये राज्य के देश के विकास लेके कर सकत ऐसे सब लोग एनडीए ज्वाइन कर। आज सवेरे ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी चल रही है पटना से तो विजय शंकर दुबे जी के बेटा संजम दुबे आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते और समझा जा सकता कि जब वैसन परिवार के लोग ज्वाइन करता बीजेपी तो नीचे वो गठबंधन के का हल आज पूरा गठबंधन हिल गए पर टूट गए पर वो में जो विकास करे वाला नेता लोग पाए इंडी गठबंधन में वो सब लोग अब धीरे धीरे साथ छोड़ तो आज जरूरत बा मजबूत नेतृत्व के साथ देवे और दूसर सिवान के जनता से बढ़रिया के जनता से विशेष तौर पर आग्रह कुछ हो जाओ हमने सुरेंद्र पटेल जी के नहीं सब भूल सकते कुछ हो जाओ ये सिवान के धरती पर जो दर्जनों हत्या भयो करे के नहीं सब भूला सकते और जे लोग वो प्रकार के राजनीति कई जे लोग अपराध के राजनीति कई अपराधी के राजनीति कई गुंडई के राजनीति कई हत्या
हत्या के राजनीति कई, अपराधी के संरक्षण देवे के राजनीति कई, हथियार के राजनीति कई, वो लोग के हमने भूला नहीं। वो लोग फिर चुनाव मैदान में बात गलती से भी वैसन लोग के वो वोट के ताकत ना मिले के चाहिए। इस सब के उसे हम हाथ जोड़ के निहोरा विनती करतनी, वैसन लोग के वो वोट देना से बहुत मुश्किल हो गई। फिर हमने अशांति की ओर बढ़ गया सर, फिर विकास सिवान का रुक जाए, फिर सिवान 2004 का पहले वाला सिवान, ऐसे वैसन लोग से बांच के रहे। हम ऐसे कहे के चाहते नहीं कि वही गोलवा में के लोग आजकल रंग बदल ले बा, और रंग बदल के हमनी के जो भाई भगवा गमछी बनू वैसा बड़का मुरेठा बांध के घूमा था लोग की बुझा था कि वह हो गए। रंग बदल के जो लोग घूमा था लोग से सावधान रह के बा, जो असली बा वह असली बा, और असली लोग के साथ देवे बा, जो असली बा नरेंद्र मोदी के साथ बा, नीतीश कुमार के साथ बा, चिराग पासवान के साथ बा, उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ बा, माजी जी के साथ। ऐसे सब भाई बहनों से आग्रह करते हैं, ये जी के लोग से आग्रह करते हैं, 10 साल मोदी जी रहो सेवा भी कोई बनी, देश के आगे भी बढ़ो ले बनी। अब मंच पर बैठा हमने के जितना नेता सब के हो पानी सर, सब के हो रुवा सब के साथ दिन रात लागो रही ले सने जी के विकास का। ऐसे रुवा सब के आशीर्वाद जो हमने सब के होकर मिले के चाहिए। और 25 तारीख के जब मतदान होते, 25 तारीख के जब वोट पड़े, तो हमने के एक एक वोट जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी के मिले के चाहिए, ताकि यदि तीर पर बटन दबाए तो दिल्ली में कमल फूल खिल जाए और नरेंद्र मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बन जाए। तो सब लोग बढ़िया के लोग नरेंद्र मोदी जी के अपन आशीर्वाद दी लोग, सब माई बहन लोग से भी पूछा था नहीं रवा सब के आशीर्वाद मिली नो, एक बार मिली तो जो दोनों हाथ उठा के मोदी जी चाहे जहां हो ये जिसे आशीर्वाद दिया विजय लक्ष्मी जी उनके प्रतिनिधि के रूप में हमने के बीच में बनी सर, यहाँ के माध्यम से वो आशीर्वाद मोदी जी के लगे पहुंच गई। एक बार दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद देके हमारा साथे रवा सब नारा लगाई, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर हर महादेव, नीतीश कुमार जिंदाबाद। धन्यवाद। अब आपके शहर सिवान में सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली के मशहूर सर्जन डॉक्टर एमडी मुजम्मिल, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन एमबीबीएस डीएनबी जनरल सर्जरी दिल्ली लखीचंद हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लखीचंद हॉस्पिटल में 21 जनवरी से सेवाएं चालू है, हर तरह का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया जाता है। लखीचंद हॉस्पिटल डॉक्टर्स कॉलोनी चौक बढ़रिया रोड सिवान। प्लस पब्लिक स्कूल सीबीएसई कैरिकुलम कक्षा नर्सरी से 8वीं तक लक्ष्मी नगर आंध्र ढाला सिवान 31 मार्च तक निःशुल्क नामांकन। अ टीम ऑफ एक्सपीरियंस क्वालिफाइड एंड ट्रेन टीचर्स, ऑल कैंपस सीसीटीवी कैमरास, कंप्यूटर लैब एंड स्मार्ट क्लासेस, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल, म्यूजिक पेंटिंग योगा एंड मार्शल आर्ट क्लासेस। जल्द ही नामांकन कराए प्लस पब्लिक स्कूल लक्ष्मी नगर आंध्र ढाला लक्ष्मी नर्सिंग होम के नजदीक सिवान। कॉल करें 9430206625 6201894686। डायरेक्टर रंजना दुबे, मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य कुमार पाठक। बिहार का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट आरसीएच ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बढ़रिया रोड त्रिभेरिया सिवान। हमारे यहाँ बीबीए बीसीए एएनएम जीएनएम कोर्स कराया जाता है। फैसिलिटी टू अवेलेबल, स्टूडेंट लोन एफिलिएटेड टू आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी, फुल्ली वाईफाई कैंपस, प्रोफिशिएंट फैकल्टी, वन ऑफ द बेस्ट कैंपस इन बिहार। गारंटेड प्लेसमेंट, कॉन्टेक्ट करें 06154245710790305562। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पलक बुद्धा आईटीआई
इलेक्ट्रीशियन व फिटर के लिए नामांकन प्रारंभ। पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। आईटीआई के साथ साथ आईएससी करें अच्छे मार्क के साथ। पास छात्रों को भारतीय सेना में मिलेंगे 40 बोनस मार्क्स व रेलवे में जॉब। वाईफाई, कंप्यूटर क्लासेज, स्पोकन क्लासेज, छात्रवृत्ति, जिम, लाइब्रेरी, बैग, ड्रेस, आई कार्ड व स्पोर्ट्स बिल्कुल फ्री। एक बार पेमेंट करने पर 25% की छूट। सीमित सीट, जल्द नामांकन ले, कहीं यह मौका छूट न जाए। पलक बुद्धा आईटीआई, पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। डायरेक्टर मुन्ना तिवारी, कॉल करें 8102091587995598288। वेबसाइट www.palakbuddhaiti.com।